हमारे चैनल की एक मुहिम थी कि हम दिल्ली के से चाहे हमें कितने ही कई सौ किलोमीटर का सफर क्यों ना तय करना पड़े, लेकिन अपने व्यूअर्स को कुछ यूनिक चीज़ें राजनीति की आप तक जरूर लेकर आएंगे। तो ऐसी एक अहम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा नाम क्या हुआ मैम? शाहीन जहां शाइन। जी, अच्छा, मेरा आपसे पहला और अहम सवाल ये है कि जब आप राजनीति के अंदर, क्या सोच थी आपकी जब आप राजनीति के अंदर, क्योंकि अक्सर करके कहा जाता है कि मुस्लिम समाज से जी बहुत कम देखने को मिलती है मुस्लिम महिलाएं राजनीति में। जी हमारा तो पहले से ही रहा है। मेरे फादर भी एमएलए थे कांट अच्छा, के माशाल्लाह। जी, और हमने सोचा कि हम भी प्रधान बन जाएं, और अच्छा गांव वालों का भी था अच्छा जी। तो आप ये बताइए प्रधान जी कि जब जिस वक्त आपने कैंपेन शुरू करी या फिर जहन के अंदर ये बात आई कि राजनीति के अंदर आना है, जी अपनी एक विरासत को, राजनीति विरासत को आगे लेके जी चलना है, जी तो कभी कुछ जहन के अंदर बात आई कि मैं एक महिला हूँ, किस तरह से जी लोगों को डील करूंगी या किस तरह से होगा, कुछ इस तरह के थॉट आए थे क्या? जी बस ये है कि हम सेवा करेंगे अपने गांव की। अच्छा गांव वालों को भी बहुत चाहत थी कि हम रहें, जी। उनका मतलब लड़ें प्रधानी अच्छा, और अल्लाह ने जी। आपको कामयाबी भी दी। जी कामयाबी दी हम अच्छा, ये उस दौरान ऐसा भी रहा, क्योंकि देखिए किसी भी गांव के अंदर महज जी एक समाज नहीं होता, खाली मुस्लिम जी समुदाय के, तो लोग जी आपके सपोर्ट में होंगे नहीं, जी तो जो दूसरे समाज के लोग थे जी तो उनको कैसे आपने मुलविस किया या किस तरह से आपने उनको जो है अपने अपनी जी जहनियत को उनके उन तक पहुंचाया? नहीं, हमें सभी ने सपोर्ट किया अच्छा, जी, हिंदू मुस्लिम सब ने सपोर्ट किया हम तो अब जैसे अब जब तमाम काम होते हैं या निधि जी होती है, योजनाएं होती हैं, तो सब जी तरफ बराबर जी पहुंचती हैं। सब तरफ अच्छा, बराबर पहुंचती है। कभी किसी का कोई नहीं इस तरह नहीं का विरोध कोई नहीं नहीं, रहता है कि भाई मुस्लिम नहीं प्रधान है नहीं तो नहीं हमारा काम नहीं हो रहा, कभी कोई जी विरोध में बात नहीं 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 होती? नहीं अच्छा, बहुत अच्छा सब करते हैं तो सभी हमारे मिलके बेटे सब बहुत देखते हैं जी। बिल्कुल, अभी बात करेंगे हाँ एडवोकेट साहब से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी खैर जी मकदम है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना पूरा इसमें ग्रामीण हमारे लाखों व्यूअर्स तक। मेरा नाम अथर चौधरी है और मैं पेशे से एक एडवोकेट भी हूँ, और अभी एज अ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर मैं गांव की सेवा कर रहा हूँ, और जो भी विकास कार्य जितने भी गाँव वासियों तक पहुँच सकते हैं उसमें मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अतर साहब, मेरा एक पहला सवाल ये है, क्योंकि आप यंग हैं तो यंगेस्ट का हमेशा ये रहा है, मजबूत हैं फैमिली से, बैकग्राउंड अच्छा है आपका, तो गांव के अंदर सेवा का क्या, कैसे जहन बना? क्योंकि ये वक्त तो आपका था कि शहर की दुनिया के अंदर जो है दोस्तों के साथ मजे करते या लाइफ को एंजॉय करते, ये कैसे मतलब हो गया? ये तो अपने आप में एक, मैं हमारे लाखों करोड़ व्यूअर्स के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। जी, बिल्कुल। ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई, कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि आपका गोल्डन पीरियड है। मैंने हाँ कहा जब ये मेरी लाइफ का बेस्ट पीरियड है तो मैं अपने बेस्ट प्लेस पे क्यों ना सेलिब्रेट करूँ इसको। तो मेरे लिए जो मेरी जन्म पृष्ठभूमि है, जो मेरे एंसेस्टर्स की जो है देन है, तो मैं उसे छोड़कर जो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, जहाँ मैं अपना 100% दे सकता हूँ, जहाँ मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जहाँ पर, तो उसे छोड़कर मैं और जगह अपना भाई अपनी काबिलियत का मतलब एक रिसोर्स। तरह से दुरुपयोग नहीं करना जी चाहते जी अगर दुरुपयोग नहीं, शुद्ध मतलब ये है कि जब जो लोग मेरे लिए हैं तो जी, बेस्ट ये रहेगा कि मैं मैं उनके उनके लिए लिए हमेशा तैयार क्यों रहूं। नहीं रहा जी हूं। जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं ये ख्यालात युवाओं के अंदर गलत है कि भाई घूमना अच्छी बात है, दुनिया देखना अच्छी बात है, लेकिन जब आपको लौट के ही एक जगह आना है, मैंने अरे देखा वाह, लोग जब रिटायर होके आना है तो आप क्यों ना ऐसी जगह मेहनत करें जहाँ पे आपको वापस आना जब ही आपके आना है। पास जी काबिलियत बिल्कुल भी है, जी ताकत जी भी है, वक्त भी है, बिल्कुल बिल्कुल और उसको सही जगह पर क्यों ना बिल्कुल। जो है वो इम्प्लीमेंट के लिए लगाया कुछ जाए। लोग सोचते भी हैं कि भाई प्रधानी का पद क्यों, आप तो वैसे भी बहुत प्रॉस्परस हैं, नॉर्मली भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन मैं नॉर्मली एक व्यक्ति को सपोर्ट कर सकता था, और वेरी कहाँ गुड। तक सपोर्ट कर सकता था, बहुत से बहुत मैं एक व्यक्ति को आर्थिक तौर पे कितना सपोर्ट कर सकता था। आज मैं एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे गांव को एज पर रिक्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता हूँ। जितनी भी जो भी स्कीम्स है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। सारी स्कीम एब्सोल्युटली सरकार की, कोई स्कीम गलत नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट और रॉन्ग होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है। अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है तो वो स्कीम बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो मेरा थोड़ा यही था कि जो लोगों तक पहुंच रहा है उसे मैं और बेटर वे में कैसे पहुंचा सकता हूँ, यानी वो लाइफ का उसके। सही यूटिलाइज जी कर जी रहे हैं आप, जी अपने बड़ा जी जी सेटिस्फाइड हैं आप इस अब यूटिलाइज से। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अच्छा ये लोगों ने ये भी कहा कि आप इससे बेटर ऑप्शन चूज कर सकते थे भाई, इससे बड़े एज पद ए पे। लॉयर आप आगे भी जा जी सकते थे, जी बड़ा जी नाम कमा सकते इन थे इससे। पॉलिटिक्स ऑल्सो दे हैव सेड कि आप इससे बड़ा पद चूज कर सकते थे भाई, जिला पंचायत मेंबर या कोई और पद बड़ा चूज कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक अपने लोगों का साथ नहीं होगा, जब तक मैं अपने लोगों को साथ नहीं जोड़ पाऊंगा, जब तक मैं किसी और को कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा कि हाँ भाई मैं आपके लिए तैयार हूँ,
और अच्छा, आज की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं, हम अपने तमाम लाखों दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके साथ आपके सहयोगी बैठे हैं, अदर समाज से भी बैठे हैं, तो कैसे इन लोगों का सहयोग रहा आपके साथ, किस तरह का इनका व्यवहार रहा? क्योंकि आज जो है जहां तक पूरे देश के अंदर बहुत आरोप लगाया जाता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर दो खेमों में देश बांट दिया है, तो एज ए लॉयर किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत है। देखिए, अगर ये चीज किसी भी समाज से आती है, मैं कहना चाहूंगा, नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक कट्टरपंथ मुस्लिम राजनीति कर सकता है तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक कट्टरपंथ हिंदू राजनेता को गलत कहे, क्योंकि जो वो सामने से कर रहा है वही उसे सामने से मिल रहा है, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव सोच है। पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजन को, सबको अपना धर्म पसंद है, हमें भी अपना धर्म पसंद है, लेकिन जीतने के लिए बात दो ना, उसके एफर्ट तो अपने धर्म के लिए सबको पसंद है, लेकिन जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल मत करो। ये तो एक बहुत ही इनह्यूमन, ये तो बहुत ही, क्या लगता है कि इस देश में क्या ऐसे एडवोकेट साहब क्या नुकसान आप देख रहे हैं यूथ के अंदर, ऐसे माइंड क्या नुकसान देख रहे हैं, यूथ किस तरफ जा रहा है, या किस तरह से आज ट्विटर हैंडल पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह की एक ये तमाम चीज़ें, क्या हमारे देश का अदर्स पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? जब मीडिया बंधु मुझसे ये सवाल करते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक बात चलाई जा रही है जो कि चल भी नहीं पा रही ढंग से। आज आप देखेंगे सैफी समाज है, अगर मंदिर बनाने का, लकड़ी का मंदिर बनाने का कोई काम कर रहा है तो वो सैफी बिरादरी कर रही है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ दिवाली पर पीर साहब की मजार है और भी मजारात हैं, वहां पे हमारे यहाँ हिंदू लोग दिया जलाते हैं, एक जमाने से जलाते आ रहे हैं। मुहर्रम हमारे यहाँ जब होते हैं तो हिंदू लोग पूरे प्रोत्साहन के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बात है नहीं कहीं भी, ये केवल चलाई जा रही है, कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, इस बात को कैसे देखते हैं कि, मैं अभी राजनीतिक तो पहलू पर नहीं आना चाहूंगा, लेकिन छोटी सी बात दिमाग में है और मुझे लगता है कि एक माकूल जवाब आपसे मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अक्सर करके आपने देखा कि एक राजनीतिक पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द तमाम जगह पोस्टर लगा दिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की चीजें। आप तो कह रहे हैं मीडिया सिर्फ बता रही है, लेकिन ये तो चीजें आपके सामने हैं जो चीजें हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक एजुकेटेड, एक तरफ कहते हैं हम डिजिटल भारत हैं, हम बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है तीसरे नंबर पर आ गई है, और एक तरफ जो है इस तरह का इस्तेमालात हो रहे हैं, और वही राम जी ने जो है, राम जी तो सबके है ना, तो उन्हीं राम जी ने अयोध्या से उन्हें बाहर कर दिया। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकली दे आर नॉट रॉन्ग, व्हाट दे आर डूइंग, या हमें सत्ता में आने के लिए जो करना पड़े एज अ पॉलिटिशियन हमें करना चाहिए। ये तो पब्लिक गलत कर रही है कि वो क्या खरीद, क्यों एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक क्यों खरीद रही है उस चीज को जो वो बेच रहे हैं। अगर वो नफरत बेच रहे हैं तो पब्लिक नफरत क्यों खरीद रही है? वो नफरत ही इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि पब्लिक को पसंद आ रहा है। सब लोग नहीं है इसमें, कुछ लोग समाज के कुछ तबके को ये बात पसंद आती है। तो ये कहना कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है कि ऐसे पोस्टर लगा, नहीं, उन्हें आना है, उन्हें पावर में आना है, उन्हें सत्ता में आना है, बिल्कुल उन्हें, बिल्कुल साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स में जो भी करना पड़े आपको सत्ता में आने के लिए। पब्लिक क्यों खरीद रही है? पब्लिक बायकॉट करे, रिजल्ट है, उन्हें हरा के लाए अगर वो गलत कर रहे हैं। तो एडवोकेट साहब का कहना यह है कि पब्लिक को खुद अवेयर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में आने के लिए जो उनका बन पड़ता है वो करेंगे। आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि अगर एक पार्टी मुस्लिम कट्टरपंथ को प्रमोट कर रही है, एक तरफ आप मुस्लिम होने के नाते उनकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप एक पार्टी जो हिंदू कट्टरपंथ या कोई और रिलीजन कट्टरपंथी भाषा इस्तेमाल करे तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी जो एज अ मिरर आप वर्क कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं सामने से वही आ रहा है, मतलब तीन उंगलियां आपकी तरफ भी जा रही हैं। बिल्कुल, आपने पॉलिटिशियंस का काम बहुत आसान कर दिया। अच्छा सर, हम एक विजुअल्स चला रहे हैं, एक बड़ी शानदार चीज, जिस जगह हम बैठे हैं आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर, मैं अपने पीसीआर पर्सन से कहूंगा कि वो विजुअल्स लगातार चलाएं स्क्रीन पर, कि एक बहुत शानदार, बहुत यूनिक, शायद ही आपने कहीं इस तरह का जो है वो क्या कहेंगे इसको, चारपाई या खाट, मतलब एक बड़ी शानदार यूनिक है सर, इसके विषय में कुछ बताएं, क्योंकि ये मैंने कहीं नहीं देखा अपने 12 साल के करियर में कि इतनी बड़ी चारपाई, और ये कैसे दिमाग में थॉट आया आपके बड़ों की? थॉट ये आया जब मैंने इलेक्शन की स्टार्टिंग की तो जब लोग इकट्ठे होते थे तो 4-5 कुर्सी 10 कुर्सी होती थी, बाकी लोगों को नीचे बैठना पड़ता था। अच्छा। इतने कुर्सी आती थी, लोग नीचे बैठ जाया करते थे, जो कि मैं आई फील वेरी अनकंफर्टेबल अगर मेरे सामने कोई नीचे बैठ जाए। अच्छा। तो मुझसे नहीं बैठा जाता कुर्सी पर। अच्छा। मैं या तो खड़ा हो जाऊंगा, उसको खड़ा कर दूंगा, मेरी बात खड़े होकर बात करते हैं। अच्छा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि यार कोई जमीन में ना बैठना पड़े किसी को, तो पहले मैंने 100 चेयर्स खरीदी, 100 चेयर्स, कि कभी किसी को जमीन में ना बैठना पड़े। फिर मेरे ख्याल आता है कि यार कुर्सी लाने में भी वक्त लगेगा, कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए
कि व्यक्ति को मांगना ही ना पड़े कि भाई कुर्सी चाहिए मुझे और उसे कंफर्टेबली बैठना को मिल जाए। अच्छा, और ये बेड एक सिंबल है। हाँ, इसमें हाँ, कोई सिरहाना या पाइती है ना सिरहाना है, ये एक इक्वलिटी का सिंबल भी है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल हमारे पीसीआर इसको बिल्कुल स्लो मोशन में चलाएं, और वाकई जिस तरह से बताया कि पातियाने अमूमन जिस तरह की चारपाइयां होती हैं तो उसको पूरी चारपाई को कसने के लिए पातियाने की रस्सी डाली जाती हैं, लेकिन वाकई में बड़ा शानदार सिंबल, और मुझे उम्मीद है कि आप देशवासी बड़ा इसको शेयर करने वाले इस वीडियो को और लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक्चुअल में अभी भी राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग जो बिल्कुल इक्वालिटी चाहते हैं। चलिए बात करेंगे सर, एक बार आप माइक पकड़ लीजिए प्लीज जी। तो जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय विक्रम सिंह जाटव। अच्छा विक्रम साहब, आपके बारे में जानकारी ये मिली कि आप उर्दू से बड़ा नजदीकियां रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, तो उसकी कुछ खसूसियात, कुछ वजवात? वजह ये है कि बहुत मीठी जुबान है। अच्छा, आप बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, और कोई खास वजह तो ऐसी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको कि भाई कभी आपके घर में कहा नहीं कि भाई तू तो मुसलमान होता जा रहा है, क्या चक्कर है? नहीं, कभी नहीं। हमारे बड़े स्वच्छंद विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे हमने सब कुछ अपने वालिद मोहतरम से सीखा है। वालिद मोहतरम? हाँ, से हमारे जो वालिद मोहतरम सेल टैक्स में थे, और वो सब बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा हो भाई, जो पसंद करते हो और अच्छा हो वो बिल्कुल करो, फिर पूरा फ्रीडम रहा। दूसरे हमारे यहाँ माहौल ऐसा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को जाति और धर्म के आधार पर कोई ना कोई ऐसी बात है, ना जाति है ना दंगा है उसका, जाति और धर्म के आधार ना कोई दंगा है ना कोई विवाद है, और एक साथ रहते थे तो मुस्लिम भाइयों से बड़ा भाईचारा रहा, उनकी जवान इतनी पसंद आती, सीखते चले गए हमारे बराबर बैठे। आपने उर्दू मुसलमानों के लिए सीखना ऐसा आसान बात नहीं है कि कोई भी बोल लेगा। जी जी, उनके उसका तलफ्फुज निकालना, उसके अल्फाज़ात की अदायगी करना बड़ा जेर जबर का मसला होता है। अब जब इतने हमारे इतने जो वेल क्वालिफाइड हमारे साथी हैं, प्रधान जी इन जैसों के साथ रहेंगे तो सब सीख ही जाएंगे आसानी से। अच्छा, चलिए, मतलब ये निरंतर बातचीत चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे ये भी जी जी, कि किस तरह से देखते हैं कि आपके जो अभी मौजूदा प्रधान है, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं जी, तो क्या कभी आपके मतलब पर्सनली जब आप अपने समुदाय के साथ बैठते हैं तो कभी कुछ बातचीत होती है इस तरह की, यार क्यों हम भी तो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हैं, वो किसी पर्टिकुलर मुस्लिम व्यक्ति को प्रधान, एक आपसे सवाल? जी जी, बिल्कुल, फ्रेंकली प्लीज। कभी ऐसा नहीं आता, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई साथी प्रधान जी अजहर चौधरी साहब हैं, ऐसे लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म में हों, भाई साहब जैसे। अच्छा, हाँ, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करके वो सिर्फ विकास की बात करते हों, प्रगति की बात करते हों, उन्नति की बात करते हों, वो गाँव के और कस्बे के, शहर के, देश के अंतिम नागरिक तक जो मुख्य धारा को जोड़ने से काम होता है, विकास की बात होती है, ऐसी सोच रखने वाले हों, तो जाति के आधार पर ना हो, कोई भी हो, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो उसको हृदय से हम सलाम करते हैं और पूरे ईमानदारी और निष्ठा से सहयोग करने का हम काम करें। लेकिन जरा माइक दीजिए, मैं बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे इस सफर को कामयाब करने के लिए एक के बाद एक, जब कहते ना कि नीयत अच्छी होती है तो जरूर अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं, और एक अच्छी खबर, एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार इस तरह से जारी रहेंगी। एक मैं साथी एक और बैठे हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा प्लीज। आपको शुभ नाम क्या? बुंदू खान। बुंदू खान जी, तो बुंदू खान साहब आप भी यहीं के प्रॉपर? भूतपुर प्रधान, दवई, पास में गाँव पड़ता। अच्छा, तो कैसा लगता है आपके प्रधान जी जो है अपनी एक लाइफस्टाइल को छोड़कर, क्योंकि इस टाइम में तो बड़ी लाइफस्टाइल होती है लोगों के बीच में, बड़ा एक वो होता है, फीलिंग्स होती है कि दुनिया घूमे क्या, या राजनीति के चक्कर में पड़ना, लोगों की जो है किसी की पेंशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी की गलियों की, तो क्या लगता है प्रधान जी किस तरह कार्य रहे हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ बोल पाएंगे? मेरा माइक लगा लीजिए, मेरा इलाके का मानना ये है, माइक थोड़ा मुंह के नजदीक कर, इनके इनके प्रति जो सोच है कि राजनीति में बहुत लेट आए। अच्छा, लेट आए, यानी कि इन्हें बहुत पहले ही संभाल लेना चाहिए था। इन्हें और इनके वालिद साहब को, चाचा को, बहुत पहले ये बागडोर संभाल लेनी चाहिए थी। अच्छा। और मुझे ये उम्मीद है, ये मेरा अपना मानना है कि इलाके में सबसे पहले MLA MP यही होते, अगर इनका ध्यान इस तरफ होता था। ये बहुत लेट सोच हुई इनकी राजनीति में। अभी की जो कार्य कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई है, गांव सेटिस्फेक्शन है उनको अभी के इनके कामों से, मतलब उनको तसल्ली है? ये बिना प्रधानी के भी लोग अच्छा सेटिस्फाई होंगे पहले से ही। इनका माइक दिखा दीजिए
एक और साथी हमारे साथ बैठे हैं, मैं कहूँगा प्लीज आप जरा नजदीक आ जाए। क्या नाम है आपका? जब्बार हुसैन। अच्छा जब्बार हुसैन जी, आप भी यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी गांव से? नहीं, मातिपुर ढकतोड़ा गांव। अच्छा, लेकिन इस गांव के माहौल कैसा देखते हैं इनके प्रधान बनने के बाद? क्या फर्क आए हैं, क्या लोगों के अंदर जो है वो चेंजिंग्स आए हैं? कुछ कुछ अच्छा हुआ है इनके प्रधान बनने से? इन्होंने सब बहुत बड़ा विकास किया, बहुत बढ़िया लोग मानते हैं। तमाम इलाका मानता था अभी। अच्छा जी, तो आगे अगर इनको राजनीति में और आगे देखना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये विधायक बने या एमपी चुनकर जाएं अपने क्षेत्र से, ताकि एक एडवोकेट भी एक सोच भी है, तो उसमें क्या सहयोग रहेगा आपका अगर आने वाले वक्त में मौका मिलेगा इन्हें? तन मन धन से सहयोग। तन मन धन से भी, चलिए बहुत अच्छी बात है। वापस एडवोकेट साहब, आपसे कुछ खास बातचीत, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपसे चंद सवाल और किए जाएं। तो एडवोकेट साहब, मैं देख रहा हूं कि कुछ मैं विजुअल्स चला रहा हूं कि आपको जो है लोगों की सेवा का भी शौक है, उसके अलावा आपने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है अपने घर के अंदर पशुपालन भी किया हुआ है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ घोड़ा, और ये एक बड़ी जबरदस्त ब्रीड थी डॉग की, तो ये भी शौक आपका? शौक भी कह लीजिए या फिर एक तरह की ट्रेनिंग कह लीजिए। अच्छा। ये एक ह्यूमन ट्रेनिंग भी है। अगर आप एक पेट रख रहे हैं तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवेलप करने में आपको बहुत काम आता है कि भाई कब उसका ख्याल रखना है, उसके चोट तो नहीं लग गई, वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा, और ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। आपका जो जो आजकल लैक कर रहे हैं लोग, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के प्रति और अपने लोगों के प्रति, तो इन्हें पाल के आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके अंदर एक इम्प्रूव होता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर भाई ऊपर वाले ने सलाहियत दी, इंसानों को जानवरों पे काबू दिया, तो किसी वजह से ही दिया कि हम इनकी सेवा करें। लोग कहते हैं कि साहब हमारे हमारे यहाँ पे सांप घुस गया, हमारे यहाँ बिच्छू घुस गया, हमारे बंदर घुस गया। भाई वो आपके यहाँ नहीं घुसे हैं, आप उनके यहाँ घुसते जा रहे हैं। भाई आप जंगल खत्म कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनका ही तो घर बर्बाद कर रहे हैं। तो उनके लिए दिनों में जगह बनाइए। अब भाई हमारे यहाँ जैसे गाय भैंस आवारा पशु आ जाते हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, हो सकता है छोटे किसानों को उससे दिक्कत हो, लेकिन मुझे ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे उससे दिक्कत नहीं होती। मैंने भाई इनका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने यहाँ लिख दिया, यहाँ खा रहा है, कोई बात नहीं, और मुझे उतना ही फायदा मिलता है ऊपर वाले की तरफ से। अच्छा। तो इन चीजों से ये सोचकर नहीं बचना चाहिए कि हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है। थोड़ा नुकसान देखने के चक्कर में इंसान अपना बड़ा फायदा खो देता है। आज की परेशानी कल की आसानी बात है। अगर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, आपको इतनी अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया सबसे बेहतरीन, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सबका ख्याल रखना। बिल्कुल सही बात। यही जो जो इलेक्शन में एक मुद्दा बन गया आवारा पशु का, भाई सरकार अगर इतनी कंसर्न्ड है गौवंश को लेके, तो उन्हें करना था कि राशन के साथ साथ वो हर धर्म के हर जाति के व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दें एक गाय का पालन करना, कि उसे एक गाय पालन करे और जब वो राशन लेने जाए तो उसके साथ उसका गाय का चारा भी दें। अच्छा। उससे जो समस्या थी, बड़ी यूनिक चीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके जो ये आवारा छुट्टा पशुओं की समस्या थी, वो छुट्टा कहाँ से आए हैं? वो घरों से आए हैं, जो जो दूध का बिजनेस। जी बिल्कुल। दूध देना बंद कर देती है वो गाय जो दूध नहीं दे सकते, जैसे मेल ये जिनमें कुछ बीमारियां लग जाती हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह के मतलबी मिजाज कायम करना इंसान का, उसके लिए जो आप देख रहे हैं इंसान परेशान क्यों, वो मतलबी होता जा रहा है, सेल्फ सेंट्रिक होता जा रहा है, उसके उसके दिलों में कुदरत के लिए जानवरों के लिए जगह ही नहीं बची है। जबकि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी इन लोगों की मदद करने के लिए, जो हम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते, तो हमें क्यों दिया इतना सब कुछ कि तुम इनका ख्याल रखो। अच्छा एडवोकेट साहब, आप तमाम आपने क्योंकि एडवोकेसी की पढ़ाई में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे एथिक्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल पढ़ने पड़ते हैं, नियम पढ़ने पड़ते हैं, एक मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि आप आज के वक्त में तमाम जो एक बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम चीज़ें आई, तमाम उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और बड़ी बड़ी मार्जिनल सीटें जो हैं वो रही, कई सारी सीटें, और काफ़ी से बड़ा नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को उत्तर प्रदेश में। इसको किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में क्या 2027 के अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? बदलाव मैंने आपको क्या कहा बताया अभी कि इंसानों में नेता लोग भी आ गए, सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं। भाई पेपर लीक हो गया तो जिसने जिसने ईमानदारी के साथ पेपर दिया वो क्यों भुगते उसको? ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने देखे ना क्या आदेश दिया, तो दोबारा एग्जामिनेशन दिया। बिल्कुल दोबारा एग्जामिनेशन दिया, ये होता आया है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो जो ईमानदारी के साथ एग्जाम दिया जिन्होंने और जिनका अच्छा एग्जाम गया, जो पेपर क्लियर, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? सही, ये कहाँ का इंसाफ है? तो पेपर लीक हो गया, ये सरकार की कमी रही, लेकिन जो ईमानदारी पे था उसको 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 भी हर जाना भुगतना पड़ा, ये सब सोचने वाली बात है। कहते हैं गांव में कि गेहूं के साथ बिना वजह घुन भी फैल गए, जो गलत लोग थे जिनके लिए पेपर लीक किया गया वो तो थे ही, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, अगर अथॉरिटीज अपना काम ठीक से करती,
सब लोग ये समझते कि कोई बच्चा बेचारा अपना पूरा जीवन देकर ही पेपर देने आ रहा होगा, कैसे तैयारी करता, तो हो सकता है शायद वो पेपर लीक भी नहीं होता, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ होगा वो बहुत ही लोअर स्टाफ के थ्रू, हालांकि उसमें हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत ही लो लेवल से शुरू होकर और बहुत ही हायर लेवल अथॉरिटीज तक ये बात जाती होगी। अगर वो लो लेवल वाला अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता और वो हायर अथॉरिटी वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता, तो शायद जो बच्चे अपना जीवन दे चुके हैं उस पेपर के जी बिल्कुल, अब वो दोबारा पेपर में बैठे, उनका माइंड सेटअप बन पाए नहीं बन पाए, उनका मॉरल इस तरीके से भाई, क्योंकि क्या होता है व्यक्ति सोचता है कि भाई दोबारा से चीटिंग ही होनी है तो मैं पढ़ के भी क्या करूं, तो उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ पाती जो फर्स्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस रहती है। अच्छा, क्या क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि मेरा लगभग जो है 78% से ज्यादा यंगेस्ट लोग जो है वो मेरा चैनल देखते हैं, तो आप प्लीज क्या एक मतलब इन तमाम बातों में से खास यूनिक चीज क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, और मेरा तो पूरी इंसानियत के लिए एक ही मैसेज है, देखो कभी किसी का दिल मत दुखाओ। आपको अगर जो भी काम करना है आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लूसिवली करो उसको, कॉन्क्लूडिंग एवरीवन, आपकी जो सोच होनी चाहिए वो कॉन्क्लूसिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए कि भाई ये हिंदू अलग हो जाए, मैं अगर जो कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो मुसलमानों के लिए करूंगा, क्यों भाई, जो अच्छा करेगा उसके लिए स्टार्ट करो ना, जो डिजर्विंग है उसको भी इंक्लूड करो, उसको भी इंक्लूड करो, जो अच्छी बातें हैं वो किसी भी धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो चाहे हिंदू धर्म की हो। अब बताइए हमारे धर्म में कितनी अच्छी बात कही गई है कि भाई 125,000 लोग, जब हमारे नबी से पूछा गया कि इस दुनिया में कितने लोग आए ऊपर वाले की बात कहने वाले, तो उन्होंने आखिर में ये कहा, जी जी, तो उन्होंने कहा मैसेंजर और प्रॉफिट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मैसेंजर और प्रॉफिट्स के बारे में बताया, उन्होंने आखिर में जब उनसे बार बार सवाल किया गया उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस दुनिया में ऊपर वाले की बात कहने के लिए 125,000 लोग आए। बिल्कुल, तो उससे हमें क्या बात मिलती है कि हमारे पास केवल कुरान में केवल 24 से 25 नबियों का जिक्र है, बाकी तो हम अगर राम जी को सही भी नहीं कह सकते तो गलत भी नहीं कह सकते, कृष्ण जी को अगर हम सही भी नहीं कह सकते तो गलत भी नहीं कह सकते, हो सकता है वो उन 125,000 में से हो सकता है वो इतने पुराने वक्त की बात हो गई हो कि लोगों ने उसमें कॉन्कॉक्शंस मिला मिला के कहानी गड़गड़ के गलत कर दिया हो सकता है वो बात सही कहने आए हो। क्या इससे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि देखिए कितना इंक्लूसिव आप हो सकते हैं, कितना इंक्लूसिव आप हो सकते हैं, कितना अगर आप ये सोच लेके चलेंगे कि हो सकता है वो सही हो तो आपकी कितनी कंस्ट्रक्टिव सोच होगी, और जब कदम से कदम मिला के आप चलेंगे तो नेशन विल प्रॉस्पर, पूरा पूरा हिंदुस्तान पूरा देश आगे बढ़ेगा। और जो समस्या अब आ रही है कि साहब वो राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो मस्जिद के नाम पे, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, खासतौर से यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा कि नहीं भाई जो अच्छा है वो अच्छा है चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और जो गलत है वो गलत है चाहे वो हिंदू है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है हमारे बहुत सारे पेचीदा सवाल थे, बहुत सारे सामाजिक सौहार्द को लेकर सवाल थे, बहुत बखूबी एक एक सवाल का एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू बेहद पसंद आया होगा, और आप भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों में, अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करेंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान संभल, उत्तर प्रदेश।